जयपुर प्रदेश में जल संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं और इसी को लेकर सीएमआर में बैठक चल रही है। मुख्य अभियंता व अतिरिक्त मुख्य अभियंता भी इस बैठक में मौजूद हैं। पूरे प्रदेश में पेयजल की स्थिति को लेकर इस बैठक के माध्यम में चर्चाएं हो रही है। राजधानी में लगातार पेयजल पानी के पीने की संकट गहराता ही जा रहा है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर है और इसी के तहत सीएमआर में एक अहम बैठक बुलाई गई और इस बैठक के माध्यम से प्रदेश भर के जनता को राहत दिलवाने के लिए कई फैसले लिए जाएंगे। प्रदेश भर में जल संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं और इसी को लेकर सीएमआर में बैठक चल रही है। इस बैठक में मुख्य अभियंता व अतिरिक्त मुख्य अभियंता भी मौजूद हैं और इस बैठक में पूरे प्रदेश में पेयजल की स्थिति को लेकर चर्चाएं हो रही है और साथ ही किस तरह से स्थिति से निपटा जाए इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है ताकि प्रदेश भर की जनता को राहत देने का काम हो सके। जल संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर है और इसी को लेकर सीएमआर में एक बैठक चल रही है। मुख्य अभियंता व अतिरिक्त मुख्य अभियंता इस बैठक में मौजूद हैं और प्रदेश भर की जनता को पेयजल की स्थिति को लेकर यहां चर्चाएं की जा रही है और साथ ही किस तरह से इस समस्या से निपटा जाए इस स्थिति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जनता को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री इस बैठक के माध्यम से कई फैसले ले सकते हैं, इसकी संभावना है। जल संकट को लेकर मुख्यमंत्री ने सीएमआर में एक बैठक बुलाई और मुख्य अभियंता व अतिरिक्त मुख्य अभियंता इस बैठक में मौजूद हैं। इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए वन संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दिनेश, जैसे ही गर्मी आई और वैसे ही प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर लोगों ने पीने के पानी के लिए धरना देना शुरू कर दिया, यानी कि प्रदेश भर में जल संकट है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता और इसी के तहत मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई है, क्या कुछ अपडेट? देखिए ज्योति, गर्मी का मौसम है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ दिनों से लोकसभा चुनाव में व्यस्त थे और व्यस्तता के चलते आज चुनाव मतदान संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक बुलाई है जलदाय विभाग के अधिकारियों की, क्योंकि गर्मी में पानी की किल्लत को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो जलदाय विभाग है उसकी ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई है प्रदेश के जनता को किसी तरह के पानी की, पीने के पानी की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, तमाम इन जानकारियों के लिए और जो आवश्यक जो कैसे आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है पीने के पानी की, लगातार प्रतिवर्ष जिस तरह से जयपुर शहर की अगर बात की जाए तो जो प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में एक्स्ट्रा पानी मंगवाया जाता है उसी आधार पर इस बार जलदाय विभाग की ओर से क्या व्यवस्था की गई है, अन्य शहरों में गाँव में पानी के लिए टैंकर सप्लाई की बात हो या पाइपलाइनों के माध्यम से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, तमाम ऐसी बातें जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज इस बैठक में जो मंत्री है बीडी कल्ला उनसे चर्चा करेंगे, साथ ही विभाग के सभी अधिकारी और मुख्यमंत्री के जो प्रमुख सचिव है कुलदीप राका वो भी इस बैठक में मौजूद है। जलदाय विभाग की ओर से जो व्यवस्थाएं गर्मी के मौसम को देखते हुए की गई है उनका फीडबैक मुख्यमंत्री को दिया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आवश्यक दिशा निर्देश भी विभाग के अधिकारियों को देंगे। दिनेश, जिस तरह से आपने बताया कि सभी अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पेयजल संकट को लेकर बैठक में चर्चाएं कर रहे हैं, दिनेश क्या उम्मीद है इस बैठक से जनता को राहत देने के लिए, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई अहम फैसला ले सकते हैं? देखिए ज्योति, विभाग की ओर से पर्याप्त जो मंत्री बीडी कल्ला ने जिस तरह बताया कि विभाग की ओर से पर्याप्त पानी के, पीने के पानी की गर्मी के मौसम को देखते हुए पूरी पर्याप्त व्यवस्था की गई है, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन सभी तैयारियों का फीडबैक ले रहे हैं जो जैसी व्यवस्था विभाग की ओर से की गई है और आप फिलहाल क्या स्थिति है प्रदेश में, जनता को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, पीने के पानी की और क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, तमाम ऐसी जो विभाग की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं पीने के पानी को लेकर उनका फीडबैक लेंगे और आवश्यक जो दिशा निर्देश है जहां कहीं लोगों को परेशानी हो रही है उनकी व्यवस्थाओं को लेकर आगामी योजनाओं के दिशा निर्देश भी देंगे।
जी दिनेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार ये बैठक अभी भी चल रही है, तो इस बैठक के बाद भी हम उम्मीद करते हैं दिनेश कि आप हमें इस पूरी खबर पर अपडेट करें, और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि जल संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं, और इसी को लेकर चूंकि अब लोकसभा चुनाव राजस्थान में 25 की 25 सीटों के लिए संपन्न हो चुके हैं, तो जननायक प्रदेश के मुखिया और प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए सभी मुद्दों पर विचार कर रहे हैं, और जल संकट चूंकि गर्मियों के मौसम में एक बेहद अहम मुद्दा है, और इसी को लेकर सीएमआर में लगातार बैठक चल रही है, और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद जनता को राहत देने के लिए पेयजल के संकट पर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं।